मेरा नाम गुलिस्ता है। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूँ, तो ये फेस्टिवल्स पे दंगे होना, तो ये कब PFI कब मतलब वापस लिया जाएगा और कब ये दंगे बंद होंगे? किससे सवाल है आपका ये? गौरव जी से। देखिए, मेरी छोटी बहन है, PFI का बैन होना सरकार और पार्टी में फर्क होता है, और सरकार पड़ रहा है ना, आम जनता को मैं असर हो उत्तर रहा है नहीं ना दे रहा हूं, मेरी उससे। बहन आपकी जवाब बात कही जवाब दे रहा अंजना हूं। जी, इसके बाद अगर जवाब। अगर मैं बात पूरी कर सवाल लूं, राइट सवाल है, मैं जवाब मैं दूंगा अंजना जी। देखिए, मेरी बहन ने कहा PFI का बैन होना, हाँ। वो सरकार जरूर कदम उठा के बैन करेगी, लेकिन गिरफ्तारी होना, मुकदमे चलना, जो भी संगीन से संगीन अपराध है उसके, वो सब भाजपा शासित राज्यों में हो रहा ठीक है। है इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इतना वादा जरूर कर रहे हैं बहन। इनको जेल की सर, सजा मेरा नाम देंगे, रोहित पीछे है। नहीं। बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जो देश को तोड़ना चाहती है और आपका देश में टारगेटेड करके लोगों को तंग कर रही है। अच्छा ठीक ये है, आपका सवाल रुमाल फटा सर, हुआ है, पहले अपनी सर मेरा इज्जत सवाल मुकेश जी से है। पीछे पड़े हुए मुकेश जी आपसे सवाल है जी, बताइए। सर पहले करौली में और अब जोधपुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, और आप बोलते हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, तो यूपी में अभी शांति है और राजस्थान में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? ऐसा है, खरगोन में किस, एक मिनट, आप सवाल मुझसे पूछा जवाब पूछिए। अरे खरगोन में किसकी सरकार है आपको मालूम है? किसकी है? बीजेपी की। वहां कैसे हो गया? सवाल नहीं किया आपने मुझसे, करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो हाँ। सवाल कीजिए, मैं दूसरी बात कह दूं। राजस्थान पे जवाब नहीं दूंगा, राजस्थान पे दे रहा मैं मध्य प्रदेश गिनाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश गिनाऊंगा, मैं गुजरात गिनाऊंगा। अंजना जी, राजस्थान को बीजेपी जबरदस्ती मुद्दा बना रही है। मैं वहां फिर कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदारी क्यों अरेस्ट कर रहे इतने लोगों को? देश में दंगों के पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है बीजेपी और आरएसएस का इस देश को तोड़ने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम करके महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं, 47 लाख लोग जो WHO ने कहा है कोरोना से मरे, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। ये देश की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, इस देश के नौजवानों को भड़काने, अलग करने की दिशा में जाने के लिए, इसके पीछे भी आपका हाथ है। शादी से हाथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप हिंसा को रोक देंगे तो इनको वो मुद्दा नहीं मिलेगा। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? मूल मुद्दों से मुकेश शर्मा कौन है गृह मंत्री? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? पता है कि नहीं पता है कौन है गृह मंत्री राजस्थान का? राजस्थान पुलिस हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों नहीं रोक पा रही हिंसा को? खा रहे रोजी रोटी के लिए। सर पूछे सर, कांग्रेस की सरकार वैसे ही अपना वोट पाने के लिए दर दर भटकती है। अगर उनके पास राजस्थान की सत्ता संभालने का मौका है, तो वहाँ पे वो कानून व्यवस्था बनाने में क्यों मजबूर है? तो जवाब दूं या? हाँ दीजिए सर। मेरा नहीं, बच्चों ने सवाल पूछा, जवाब देना। बोलिए। सोच रहे अभी। अरे सोच नहीं रहा। एक तो भटकना शब्द पर मुझे इतराज है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाते हैं, सब जाते हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर वोट मांगने आपके पास आते हैं, लेकिन हम छल नहीं करते हैं। हम धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर ये देश टूट गया, चुनाव के वक्त जने उधारी बन जाते हैं, टूट गया बस चुनाव के वक्त जने उधारी बन जाते हैं। हारना जीतना कोई पैमाना नहीं है। जने उधारी क्यों बन जाते हैं चुनाव के? कोई जने उधारी का सवाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी के लोग, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ, जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो आपके मुस्लिम लीडर ने शादियां किससे कर रखी है? वो लव जिहाद नहीं है? क्या बात कर रहे हो? आपके पैमाने दो हैं, छोड़िए आप। कल हैदराबाद में क्या हुआ है? आपके दो पैमाने हैं सर। मेरा नाम आदमी करेगा सर। मुकेश जी, आपको अपनी आवाज इतनी पसंद क्यों है सर? जबर सर, मेरा सवाल आप सबसे है। संस्कारी है सर, मेरा सवाल आप सबसे है। जो ये दंगे होते हैं सर, और पहले तो आप इधर से उधर चीजें कर रहे हैं, आप इन पे डाल रहे हैं, और इसके बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी लोग परेशान हो रहे हैं, जो उनकी चीजें जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं दूं? ठीक है, छोटा सा अंजना जी, और आपका आपका सवाल बहुत जायज है कि दंगे होते हैं और दंगे किस बात पर होते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई है ये मैं आप लोगों को बता दूं। अंजना जी, आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में PFI को मार्च करने की इजाजत दी गई,
पिछले 4 महीने पहले की बात है। एक सेकंड देखिए, अब मैं सेंटर में सवाल मुझसे पूछा है ना, जहांगीरपुरी में दंगे कैसे बता रहे हैं ना, बता रहा हूं इसका मतलब होम मिनिस्ट्री ने करवाया हो गया, ये तेरा दंगा मेरा दंगा आपने जो करवाया देश की बहस क्या हुआ राजस्थान में, तेरा दंगा मेरा दंगा किसकी जिंदगी का कौन सवाल रहा लग लाग मत रखिए ना, अरे पीएफआई को बैन करवा दीजिए ना, फिर आपकी तो चलती है सरकार में पीएफआई को बैन कराइए, सिमी को बैन किया पीएफआई जन्म ले लिया, पीएफआई को बैन करेंगे एसडीपीआई जन्म ले लिया, एसडीपीआई को बैन करेंगे कोई और जन्म ले लेगा, अब ये रक्त बीज जो है ना ये अंजना जी, अंजना जी इसका सवाल गहलोत की अंजना जी आपसे सवाल पूछता है कोई नहीं बीच में बोलता है, सिवाय अशोक मुकेश अंजना जी, अंजना जी सवाल पूछा, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी बड़ी साफ सी बात है कि डेनमार्क में कार्टून बनता है और उसके कारण मुंबई के आजाद मैदान में मीडिया के लोगों के साथ भयंकर तोड़फोड़ होती है, उसमें हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है, राजस्थान में क्यों हो रहा है, राजस्थान में इसलिए हो रहा है रामनवमी पर हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144 लगाई गई, लेकिन ईद के एक दिन पहले रात को दंगा हुआ, दोपहर 3 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, ये कारण है राजस्थान में लगातार दंगे करवाने का वहां की सरकार का।